तहरीक थी, जो कौमी हकूक की तहरीक थी, वो किस स्टेज पर थी? रावलपिंडी साजिश केस हो चुका था, फौज के अंदर से प्रोग्रेसिव एलिमेंट को जेल भेज चुके, फैज अकबर फैज जेल जा चुका था, जनरल अकबर जेल जा चुका था, दो प्रोग्रेसिव जनरल्स के हवाई जहाज को उड़ा दिया गया। अयूब खान को कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कमरे से निकाल दिया था, लेकिन 56 में 56 तक पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ ब्रिटिश जनरल था। ये वो हालात थे जब यहाँ साम्राज्य ने अपने पंजे गाड़े हुए थे, पाकिस्तान सीटों और सेंटों का पार्ट था। उस वक्त पंजाब के अंदर किसान तहरीकें चल रही थी, केपी के अंदर किसान तहरीक थी, बलूचिस्तान में बजगर तहरीक थी, सिंध में सिंध के हारी सड़कों पर थे, और उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में था, जेएम सर जेल में था, अजमल खटक जेल में था। उस वक्त मजदूर क्यादत का बहुत बड़ा ऐसा जेल था, और उस वक्त मजदूर तहरीक के लिए लड़ना इस तरह है जैसे ज़िया के दौर में हम 10-10 साल जेलों में रहे और कोड़े खाए। जब बात करते हैं शिकागो की, हम बात करते हैं मजदूर तहरीक की, हम बात करते हैं इंकलाब की, हम बात करते हैं माशरे को बदलने की, हम बात करते हैं सिस्टम को चेंज करने की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और हम जेल में साथ थे, जामसाही केस में 10 साल हम जेल में थे। स्पेशल वार्ड में दरख्त पर चढ़ के हम आपस में बात करते थे, हमें मिलने की इजाज़त नहीं होती। जामसाही केस में मोहतरमा मेरी डिफेंस विटनेस थी स्पेशल मेरी कोर्ट में कराची। जब हमने रफा खान और यासर रफा का नाम दिया, मिलिट्री एक्ट के मुताबिक जो आप डिफेंस विटनेस देंगे वो उनको बुलाना पड़ता है। इन्होंने बार्गेन की आर्मी ने कि आप लोग यासर रफात का और रफा खान का नाम हटाएं, तो हमेशा मेरे से फोटो कॉल होता है। मोहतरमा ने हाँ कर दिया। जब केस चला तो उन दिनों में रावलपिंडी साजिश केस की भी बात हुई, इसलिए कि लता की बेटी आई हुई थी बलिड़ी लता की मिलिट्री कोर्ट में। जब बेनजीर भुट्टो से पूछा गया कि आप इन कम्युनिस्टों सोशलिस्टों नेशनलिस्टों सरदारों के लिए आई हैं डिफेंस करने, उसने बहुत ज़बरदस्त जवाब, उन्होंने कहा आप कहते हैं नज़रिए पाकिस्तान दो कौम का नज़रिया, मजहब के नाम पर कोई कौम नहीं होती, नज़रिया लोगों का होता है, कौमों का होता है, मुल्कों का नहीं होता। और जो आदमी मुआशरे को बदलने के लिए सोशलिज्म के लिए इंकलाब के लिए तहरीक चलाता है वो गद्दार कैसे हो सकता है? अब जब भुट्टो शहीद सोशलिज्म की बात करता है और प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप भुट्टो साहब को बताए बगैर अताउल्लाह मेंगल के भुट्टो बेटे को कत्ल कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते। आप मुल्तान में गोली चलाते हैं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते। आप कराची लांडे के मजदूरों को कत्ल करते हैं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते। किसके पास इख्तदार है? जब भुट्टो साहब से लंदन में किसिंजर ने कहा आखिरी बार एटम से हाथ उठा लो, तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये थर्ड मीटिंग है एंड आई कांट बिट्रे विद माय पीपल। तो ऐसे बहादुर लोग जिन्होंने जेल में रहना पसंद किया, फांसी पर रहना पसंद किया, तारीख से गद्दारी नहीं की, अवाम से गद्दारी नहीं की। बीबी ने मिलिट्री कोर्ट में एक सवाल के जवाब में कहा कि सोशलिस्ट हो कम्युनिस्ट हो प्रोग्रेसिव हो नेशनलिस्ट हो जो धरती के लिए लड़ते हैं पीपुल्स पार्टी उनके साथ है। उनको पता था पीपुल्स पार्टी नहीं है, उनको पता था हम पीपुल्स पार्टी में नहीं है। अमिता जी हम शौर फैलाते हैं, हम तबका की नफरत नहीं फैलाते, हम मजहबों में भाईचारा फैलाते हैं, हम मजहबों में रूलिंग क्लास की तरह शिया सुनी और मिर्जाई फसाद नहीं करवाते। जब 57 की शोदा की बात करते हैं तो
पंजाब में इंकलाबी तहरीक रोकने के लिए इन्होंने शिया सुनी फसाद करवाए, इन्होंने मिर्जाई मुसलमान का झगड़ा खड़ा किया और पंजाब में पहली बार 53 में मार्शल रखा। और मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं बहुत आम बात कर रहा हूँ, लंदन में मोहतरमा आलम साहब थे, वुडन इज द राइस, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान से अमानुल्लाह खान वाले एडवाइजर यूएस एम्बेसडर, वो मेरे साथ था, मैं ड्राफ्टिंग कर रहा था। जब डिस्कशन हुआ, फैसला हो गया नेक्स्ट चीफ क्या नहीं होगा, 10 साल की गवर्नमेंट होगी और आर्मी इंटरफेयर नहीं करेगी, तो वहाँ उतरते मेरी जबान से निकल गया कि मोहतरमा ये 10 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन क्या पेंटागन और जेएचक्यू पाकिस्तान के जमरत की गारंटी करेगा, कोंडालिज़ा राइस ने कर जी करेंगे, लेकिन पोंटेन इनकार कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट का एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने पहले नहीं की हैं। तारीख का वो वक्त आ गया है जो मार्च या जुलाई में फिर दोबारा रिपीट करती है तारीख, हिस्ट्री रिपीट्स एंड रिवील्स, तो वक्त फिर एक आने वाला है अहम तरीन, इसलिए मैं बातें आज जाहिर कर रहा हूँ कि बीबी ने मुझे बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए राजीव गांधी से टॉक्स करने के लिए भेजा। जब मैं वापस पहुंचा सार्क कंट्रीज के एग्रीमेंट के लिए, तो मैंने बीबी को फ़ोन कर दिया कि मुझे पता है कि कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले मुझे उठा लेंगे। तो बीबी ने मलिक आसिफ प्यारे गलाना और जनरल आसिफ जंजुआ को भेजा। अब एयरपोर्ट में जहाँ से उतरते हुए आर्मी का कोर कमांडर मुझे रिसीव